आज के वरदान में बाबा ने कहा है कि मीठे बच्चों, आप भी प्रभु पिता की तरह बहुरूपी बनो। अभी अभी निराकारी, अभी अभी सूक्ष्माकारी, अभी अभी साकारी रूप धारण कर लो। अभी हम स्थूल शरीर में हैं तो कर्म योगी, इस दुनिया में कर्म योगी बन के रहना है। योग के समय हम सूक्ष्म आकारी, सूक्ष्म वतन में प्रजापिता ब्रह्मा बाबा जो सूक्ष्म लोक में हैं, हम उनसे शिव बाबा से उनके तन में जो प्रवेश, उनसे हम बात कर सकते हैं, वार्तालाप कर सकते हैं, रू रिहान कर सकते हैं, गुफ्तगू कर सकते हैं, और फिर परमधाम में जाकर, निराकारी वतन में जाकर, मूल वतन में जाकर सब संकल्पों से परे बीज रूप अवस्था का अनुभव कर सकते हैं। तो बाबा कहते हैं, देह अब हम अभिमान रूपी मिट्टी की ड्रेस को छोड़कर प्रकाश वाली चमकीली एंजेलिक ड्रेस, फरिश्ताई जो ड्रेस है वो पहनकर परम पिता परमात्मा से रू रिहान करो तो आपको क्लियर रिस्पांस मिलेगा। हम इस संसार में जब रहते हैं तो देह का भान रहता है, सारा दिन हम खुद को देह समझते हैं, आत्मा नहीं समझते। तो आत्मा का अभ्यास करना है, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। आई एम ए डिवाइन सोल, आई एम ए पीसफुल सोल, आई एम ए लवफुल सोल, आई एम ए स्वीट सोल, मैं सर्वशक्तिवान की संतान, शक्ति स्वरूप आत्मा हूँ। तो ये हमें जो है अफर्मेशंस, अपना स्वरूप स्मृति निरंतर बनाकर रखनी है। ये एंजेलिक ड्रेस कलयुगी दुनिया की वृत्ति एवं वाइब्रेशन से, माया के वाटर या फायर से प्रूफ है। बाबा कहते हैं कि जब तुम आत्म स्मृति, सूक्ष्म स्मृति में रहते हो, फरिश्ताई स्मृति में रहते हो, ज्योति स्वरूप में रहते हो, या फरिश्ताई स्वरूप में रहते हो, एंजेलिक स्वरूप में रहते हो, तो ये कलयुगी जो देह का भान है, दुनियावी वृत्ति कलयुगी वृत्ति और वाइब्रेशन से हम मुक्त हो जाते हैं, प्रूफ हो जाते हैं। जैसे वाटर प्रूफ, फायर प्रूफ होते हैं, ऐसे माया प्रूफ बन जाते हैं। इसमें माया फिर इंटरफियर नहीं कर सकती। हम माया का अतिक्रमण करके परमात्म जगत में प्रवेश पा जाते हैं, भगवान के देश में प्रवेश पा जाते हैं। आज का स्लोगन है, यदि हम चाहते हैं कि इम्पॉसिबल आई एम पॉसिबल बन जाए, असंभव संभव बन जाए, तो इसके लिए दृढ़ संकल्प से अपने लक्ष्य की ओर निरंतर अग्रसर होना है। दृढ़ संकल्प, फर्म डिटर्मिनेशन, पक्का इरादा। हम लोग फर्म कमिटमेंट अपने साथ नहीं करते, पक्का इरादा नहीं करते, तभी हमें सफलता नहीं मिलती। कुछ दिन साधना करके फिर कई लोग छोड़ देते हैं। पहले फुल अटेंशन होता है, फिर अटेंशन रह जाता है, फुल कट जाता है, फिर टेंशन हो जाता है। तो बाबा कहते हैं, हर समय फुल अटेंशन रखो, बुद्धि पर पहरा रखो कि ये बुद्धि श्रेष्ठ ही सोचे, मन बुद्धि श्रेष्ठ ही सोचे, संस्कार पवित्र ही बने, शुभ भावना शुभ कामना ही हम हर समय रखें, ताकि सर्व सारे विश्व का भला हो। शुद्ध वाइब्रेशन, शुभ वाइब्रेशंस ही हम जगत में फैलाएं। अच्छा, मीठे मीठे सिकलज बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते।
सदा रहो हंसते कहीं नहीं फंसते बन जाओ फरिश्ते बांध लो अपने बसते चलो प्रभु के रास्ते। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह बोल साचे दरबार की जय। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। शांति शांति।